पूरे उत्तर प्रदेश में मंगलवार को राज्य लोक सेवा चयन आयोग में चयनित 1573 ANM और महिला स्वास्थ्य कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। इस क्रम में पत्र मंगलवार कलेक्ट्रेट सभागार में मुरादाबाद जनपद में 21 ANM को नियुक्ति पत्र देने का कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में MLC डॉ. जयपाल सिंह वैस्त और नगर विधायक रितेश गुप्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाधिकारी शैलेन्द्र कुमार सिंह ने की, तो वहीं संचालन डिप्टी CMO डॉ. संजीव बेलवाल ने किया। विधान परिषद सदस्य डॉ. जयपाल सिंह वैस्त ने कहा कि प्रदेश और केंद्र सरकार चिकित्सा सेवा को निरंतर बेहतर बनाकर समृद्ध करने में लगे हैं। जरूरत है चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मी अपनी भूमिका और जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाए। उन्होंने ANM को नियुक्ति पत्र मिलने पर शुभकामनाएं दी और अपना कर्तव्य अच्छे से निभाने की सीख दी। का अवसर है, स्वास्थ्य विभाग ने 21 ANMs आज नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन आप सभी ने सुना है और लखनऊ में जो नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम भी आप देखा है, उसी क्रम में पूरे उत्तर प्रदेश में 756 साहिब ANMs का है, 1500 के लगभग है, तो उसमें से हमारे मुरादाबाद की 21 बेटियों को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस आयोजन में मुरादाबाद महानगर की यशस्वी विधायक माननीय श्री रितेश गुप्ता जी, अत्यंत लोकप्रिय जनप्रिय जिलाधिकारी माननीय शैलेन जी, आदरणीय CMO साहब, आदरणीय एडिशनल CMO साहब, दोनों एडिशनल ही हैं आप तो, ये अन्य विभागीय अधिकारी वृंद, पत्रकार मित्रों और सभी समय पर नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाली, मैं तो बेटियां ही कहूंगा, ये सौभाग्य आपको मिला है, एक स्वर्णिम अवसर मिला है और इस अवसर को प्राप्त करने में पूरी पारदर्शिता और पूरी प्रामाणिकता के साथ नियुक्ति आपकी हुई है। अगर मैं पूछूं कि किसी को एक नया पैसा भी कहीं देना पड़ा तो आपका उत्तर बताइए, कहीं देना पड़ा, कहीं कोई सिफारिश करानी पड़ी? पारदर्शी व्यवस्था, ईमानदारी की व्यवस्था, निष्पक्ष व्यवस्था योगी जी के शासन में ही संभव है। जिलाधिकारी शैलेन्द्र कुमार सिंह ने कहा कि जन स्वास्थ्य को बेहतर करने की प्राथमिकता कार्य के दौरान रखनी होगी, साथ ही मरीजों को सरकारी अस्पताल में बेहतर इलाज दिलाने में नव नियुक्त ANM कार्य करें। देखिए, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश स्तर पर ANM के पत्र देने का कार्यक्रम किया, उसी परिप्रेक्ष्य में सभी जनपद मुख्यालयों पर भी आज नियुक्ति पत्र दिए गए, जैसे हमारे विधायक की उपस्थिति में आज 21 ANM जो चयनित हुई है उनको आज यहाँ पर नियुक्ति पत्र दिया गया है। उसके लिए जो नवनियुक्त हमारे ANM है मैं उनको बधाई देता हूँ और CMO साहब इनकी टीम को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बड़े अच्छे से कलेक्ट्रेट के प्रांगण में इस सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया और मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे हम इन ANMs के आने से हमारे हेल्थ विभाग की सेवाओं में और बेहतरी देगी। सर, एक विकल्प के रूप में इन लोगों से देखिए, चूँकि हम चाहते हैं कि इनको भी कोई असुविधा ना हो और आम जनमानस को भी कोई दिक्कत ना हो, तो इनसे ऑप्शन मांगे जा रहे हैं और कोशिश की जाएगी कि जो ऑप्शंस हैं यथासंभव वहाँ पर। कार्यक्रम के दौरान CMO, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अर्बन हेल्थ कोऑर्डिनेटर प्रमोद कुमार, स्वास्थ्य मिशन के जिला कार्यक्रम प्रबंधक रघुवीर सहित अन्य चिकित्सा अधिकारी और स्वास्थ्य कर्मी मौजूद रहे।